वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज है 7 अप्रैल 2020 और 7 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, उस सवाल का जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गैर सरकारी संगठन ने सामाजिक उद्यमिता के लिए प्रतिष्ठित $1.5 मिलियन की इनामी राशि का प्राइज जीता है? तो इसका सही जवाब है ARMMAN, यानी कि अरमान। तो ये एक संस्थान है जो गैर सरकारी संगठन है, और आपको ये बात याद रखनी है, ये गैर सरकारी के साथ साथ गैर लाभकारी संगठन भी है। और इस संगठन का काम क्या है, अब बात रही इस संगठन का काम, तो संगठन में क्या होता है, इस संगठन ने भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, जिसके कारण कि इसे $1.5 मिलियन की राशि का जो है इसे इनाम दिया गया है। तो किसे दिया गया है, अरमान को, ARMMAN को। ये गैर सरकारी भी है और गैर लाभकारी संगठन है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विकास तथा शांति हेतु खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? विकास तथा शांति हेतु खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 6 अप्रैल को। अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके लिए जानना आवश्यक है। सबसे पहले, यह जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, शांति हेतु खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये सबसे पहले कब मनाया गया था? सबसे पहले 2013 में ये मनाया गया था। और कहाँ मनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे मनाने की घोषणा हुई थी। और बात रही संयुक्त राष्ट्र संघ की, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। इसके बाद हम लोग आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में कोरोना वायरस यानी COVID-19 का वैक्सीन तैयार किया जा रहा है, इसका नाम क्या है? तो इसका सही नाम है कोरोफ्लू। और सबसे बड़ी खासियत है इस कोरोफ्लू की कि इसे नाक से भी ग्रहण किया जा सकेगा। अच्छा, इसके परीक्षण में अभी भी 3 से 6 माह का वक्त लग सकता है, ये भी आपको याद रखना है। तो बात आई यहाँ पे हैदराबाद की, तो आपको बताना है कि हैदराबाद किसकी राजधानी है, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा हाल ही में पीएम केयर फंड में दान की गई राशि को इकट्ठा करने हेतु नामांकित किया गया है? तो पीएम केयर फंड जो कि आपदा से लड़ने में काम आती है, तो ये जो दान की राशि है वो किस बैंक द्वारा, किस बैंक में इकट्ठा की जाएगी, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है इंडियन ओवरसीज बैंक। अब आई बात इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। जैसे कि स्थापना कब हुई है IOB की, 10 फरवरी 1937 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है चेन्नई में। कहाँ है, चेन्नई में। और इंडियन ओवरसीज बैंक का CEO कौन है, श्री कर्णम शेखर। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कितने रुपये ट्रांसफ़र किए हैं? तो किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। तो इसका सही जवाब है 5125 करोड़ रुपये। अब बात रही कि क्यों ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो किसान अभी जो COVID-19 के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के अंतर्गत किसानों को सहायता हेतु, राहत देने हेतु जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत रुपये ट्रांसफ़र
किए गए हैं। अब बात रही कि सम्मान निधि के तहत क्या सबों को ट्रांसफ़र की जाएगी, नहीं। सम्मान निधि के तहत जो छोटे सीमांत किसान हैं जिसके पास 2 एकड़ से कम भूमि है उसे प्रतिवर्ष 6,000 रुपये तक सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। तो अब बात यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा कब हुई थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है आपको, 1 फरवरी 2019 को घोषणा हुई थी, 1 फरवरी 2019 को। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने घर बैठे कोरोना के लक्षणों की जांच करने हेतु ऑनलाइन सेवा शुरू की है। तो हाल ही में भारत के किस राज्य ने, आपको राज्य का नाम बताना है, जो कि घर बैठे ऑनलाइन कोरोना की जांच सेवा शुरू की है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र सरकार। अच्छा, ये सेवा क्यों शुरू की गई है? तो इसका कारण है कि अगर मरीज अस्पताल जाएंगे जांच करवाने के लिए तो उससे संक्रमण का डर बना रहेगा, इस कारण से अब घर बैठे ही उनकी जांच किया जाना संभव है। तो ये घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी अंतर्गत भारत ने किस देश को आवश्यक दवाइयां तथा खाद्यान्न की आपूर्ति की है? तो इसका सही जवाब है मालदीव। इसका सही जवाब है मालदीव। अब यहां से बन सकते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एक एक करके याद रखने हैं। जैसे कि ये जो आपूर्ति की है किसने की है, तो ये की है भारतीय वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना ने। और किस विमान द्वारा की है, हरक्यूलस विमान के माध्यम से। अब बात रही कि दवाइयों की, तो कितनी दवाई वहाँ भेजी गई है, 6.2 टन, इतनी दवाइयाँ जो आवश्यक दवाइयाँ हैं ये भेजी गई है मालदीव। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि चिकित्सा दल को भी मालदीव भेजा गया है भारत से। और आपको ये बात भी याद रखना है कि मालदीव जो है अधिकतर भारत के आयात पर ही निर्भर रहता है, मालदीव भारत के आयात पर ही अधिकतर निर्भर रहता है। अब बात आई मालदीव की, तो मालदीव से जुड़े हुए और भी कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि मालदीव की कैपिटल कहाँ है, तो इसका सही जवाब है माले। मालदीव की कैपिटल माले। मालदीव की करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है मालदीव रुपिया, मालदीव रुपिया। मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। तो इतने क्वेश्चन मालदीव से बन सकते थे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा COVID-19 समस्या के समाधान हेतु कौन सी हैकथॉन लॉन्च की है? तो आपको इस हैकथॉन का नाम बताना है, COVID-19 समस्या के समाधान हेतु इस हैकथॉन का लॉन्च किया गया है। इसका सही जवाब है हैकिंग द क्राइसिस इंडिया, हैकिंग द क्राइसिस इंडिया। अच्छा, ये हैकिंग द क्राइसिस इंडिया, इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है COVID-19 महामारी पर काबू पाना तथा समाधान खोजना, इसका उद्देश्य है। अच्छा, ये जो हैकथॉन है, हैकिंग द क्राइसिस इंडिया, इसके आयोजक कौन है? इसके आयोजक हैं हैक ए कॉज, जो कि इंडिया के हैं, तथा फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पुणे के हैं। तो दो हैं आयोजक, फिर से आपको एक बार रिपीट करता हूँ, हैक ए कॉज इंडिया के, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन पुणे के। तो इतने क्वेश्चन यहां से बन सकते थे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने लगभग 1.25 लाख आयुष डॉक्टरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र सरकार। तो 1.25 लाख
आयुष डॉक्टर को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया है। अच्छा, ऑनलाइन प्रशिक्षण क्यों दिया गया है? तो कोरोना के प्रसार को रोकने हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस उन्होंने दिया है। तो ये तो थी बात इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस की। अब बात आई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? तो मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस संस्था ने पूर्ण शरीर कीटाणु शोधन कक्ष डिजाइन किया है? पूर्ण शरीर कीटाणु शोधन कक्ष, इसका अर्थ हुआ कि पूरे शरीर का कीटाणु शोधन के लिए एक कमरा को डिजाइन किया है। तो इसका सही जवाब है DRDO ने। तो अब बात रही यहाँ पर कि ये जो कीटाणु शोधन कक्ष है, इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। यह पोर्टेबल जो है, यह पोर्टेबल सिस्टम है जो सैनिटाइजर और साबुन डिस्पेंसर से लैस होता है। इसमें सैनिटाइजर भी होता है और साबुन का घोल होता है, डिस्पेंसर होता है। और यहाँ पे इसमें क्या और सिस्टम है, गेट पर ही जो है आपको पैर पेडल का प्रयोग करना पड़ता है और उसी समय से परिशोधन शुरू हो जाता है। यहाँ पे हाथ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो ये दो बात हुई। तीसरी बात इसमें क्या है कि 25 सेकंड तक धुंध स्प्रे किया जाता है। अब बात रही धुंध स्प्रे की। धुंध स्प्रे में क्या मिला हुआ होता है? इसमें मिला होता है हाइपोसोडियम क्लोराइड, जो कि कीटाणु रोधक होता है। तो ये तो बात हुई पूर्ण शरीर कीटाणु शोधन कक्ष की। अब यहाँ पे एक टर्म आई अभी DRDO। तो DRDO की स्थापना कब हुई है? 1958 में। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और एक क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि DRDO के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस बन सकते थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, अगर हिंदी में बोला जाए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने COVID-19 के उपचार में शामिल श्रमिकों के लिए परिवहन सेवा हेतु किसके साथ संधि की है? तो जो भी COVID-19 के उपचार में शामिल हुए मेडिकल श्रमिक हैं, उनके लिए परिवहन सेवा लॉन्च की गई है, तो वो किसके साथ संधि की है? तो उन्होंने की है उबेर के साथ संधि। अब यहाँ पे बात आई NHA की। NHA क्या है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब हुई है? 2018 में। और एक बात कि ये जो उबर है, इसके बारे में जानते हैं। उबर जो है 150 कार, उबर कंपनी के टोटल 150 कार की निशुल्क सुविधा जो है वो प्रदान करेगा। और शुरू में जो है जो जो शहर आने वाले उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, नई दिल्ली, नोएडा, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और लखनऊ तथा पटना। शुरू में जो है इन सारे शहरों में उबर जो है अपना सेवा देगी। किसके लिए? श्रमिकों के लिए जो कि COVID-19 की उपचार सेवा में लगे हुए हैं। इसके बाद अब आपको बताना है आज के प्रश्न का जवाब। आज का प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है इस वीडियो के बारे में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपनी राय, अपना सुझाव अवश्य दें। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जय हिंद, जय भारत।